दोस्तों में अक्सर ट्रिप्स को लेकर के काफ़ी अच्छी खासी एक्साइटमेंट होती है और ज़्यादातर लोग जो होते हैं ये पहाड़ों पर जाना प्रेफर करते हैं। लेकिन अक्सर हम लोगों ने ये चीज़ देखी है कि जो पहाड़ होते हैं उनके साथ में एक डरावनी कहानी भी जुड़ी होती है। बहुत से ऐसी जगहें हैं हिंदुस्तान के अंदर जहाँ पर पहाड़ है और वहाँ के अगर आप लोकल से पूछेंगे ना तो वो यही कहेंगे कि यहाँ पे एक श्रापित आत्मा घूमती है, यहाँ पर कोई फैमिली मर चुकी है या फिर ऐसा है वैसा है। राजस्थान और इसी के साथ साथ जितने भी पहाड़ी इलाके हैं, राजस्थान खैर पहाड़ी नहीं है लेकिन राजस्थान में सबसे ज़्यादा भूतिया किससे आपको सुनने को मिलेंगे और इसी के साथ में हिमाचल उत्तराखंड जैसी जगहों में तो आपको इन सब कहानियों की भरमार मिलेगी ही। लेकिन दुख की बात यही होती है कि इन 100 कहानियों में से 99 कहानियाँ सिर्फ मनगढ़ंत और अपने टाइम को पास करने के लिए बनाई जाती है। लेकिन वो एक कहानी जो होती है ना वो एक सच से जुड़ी हुई होती है और इसीलिए कहते हैं कि ऐसी जगहों पर जाकर के कोई भी मजाक मत कीजिए, नहीं तो हो सकता है कि आपको एक भारी नुकसान का सामना करना पड़े। आज की कहानी भी चार दोस्तों के बारे में है। इन चारों के मैं नाम यहाँ पर नहीं ले रहा हूँ क्योंकि चारों के अगर मैं नाम लूँगा तो आपको सुनने में वो मज़ा नहीं आएगा और कन्फ्यूजन हो जाएगी। एक दो करेक्टर के ही मैं नाम लूँगा। तो ये कहानी है संजय और विनय की, संजय विनय और उनके दो दोस्तों की। ये चारों एक बार सोचते हैं कि क्यों ना हम लोग बाइक से यहाँ पर उत्तराखंड में जाएं और वहाँ पर हम लोग थोड़े दिनों के लिए स्टे कर लेते हैं। दिल्ली से ये चारों लड़के बिलोंग करते थे और दिल्ली हाइट्स की एक बात होती है कि भाई उन्हें पहाड़ बहुत पसंद होते हैं। तो ये लोग कुछ 31 दिसंबर के आसपास का प्लान बना करके निकल पड़े कि भाई न्यू ईयर तो इस बार उत्तराखंड में ही मनाया जाएगा। वहाँ पर ये लोग पहुँच गए और इन्होंने नहीं करवाई अपनी एडवांस बुकिंग। होटल वगैरह जो थे वो धड़ाधड़ फुल थे और ऑन सीजन चल रहा था, इनको कहीं पर भी रूम नहीं मिला और जो रूम मिल रहे थे वो थे भाई 31,000 41,000 51,000, छोटे मोटे रूम इतने महंगे मिल रहे थे तो इनके बस की उसको अफोर्ड करना नहीं था। चारों लोग यही सोच रहे थे कि आखिर हम लोग करें तो करें क्या, क्योंकि इतनी दूर वो लोग आ चुके हैं और न्यू ईयर तो यहीं सेलिब्रेट करना है। आसपास के सभी इलाकों में उन्होंने पूछ लिया, हर जगह से सिर्फ एक ही आवाज़ निकल करके आई कि यहाँ पर किसी भी रूम की अवेलेबिलिटी नहीं है। थक हार करके इन्होंने यही सोचा कि हम लोग वापस दिल्ली चले जाते हैं। ये लोग एक चाय की टपरी पे बैठे हुए थे और आज शाम को वापस जाने का इनका प्लान बन चुका था। डेट थी आज 30 दिसंबर की। इन लोगों ने बस अपनी चाय पूरी की ही थी कि इतने में जो चाय बनाने वाला लड़का था उसने इनकी बात को सुना। वो बहुत देर से इनकी कॉन्वर्जेशन को सुन रहा था और उसने कहा, साहब आप कहें तो आपकी जो प्रॉब्लम है उसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ। संजय बोला, भाई तुम कैसे सॉल्व करोगे, जब यहाँ पर इतने बड़े बड़े दलाल जो हैं ये तक हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे तो तुम कैसे सॉल्व करोगे। उसने कहा, सर देखिए एक रूम जो है ना वो आपको हमेशा यहाँ पे खाली मिलेगा, वहाँ पर आप रह भी सकते हैं, आपको ओनर भी मना नहीं करेगा, लेकिन बस लेकिन बोल के वो चुप हो गया। विनय यहाँ पर बोल पड़ा, भाई लेकिन क्या आगे बता, ये सीरियल की तरह ख़त्म मत कर कि आज सस्पेंस ख़त्म कर दिया कल मैं दोबारा से बताऊँगा, जल्दी बता भाई हुआ क्या आगे। उसने कहा, सर उधर का ना एक डरावना इतिहास है, उस घर में कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता देता हूँ साहब आपको, घर तो बिल्कुल नॉर्मल है जैसा आपका घर मेरा घर, लेकिन वहाँ पर ना रात में कुछ ऐसा होता है उस सड़क पे या फिर उस आसपास के इलाके में जिसके चलते लोगों की रूह कांप जाती है, एक ऐसा डरावना इतिहास। विनय ने जब इसको सुना उसने बस यही कहा, अरे वाह 30 दिसंबर की रात और एक भूत की कहानी, मज़ा ही आ गया यार। शाम के करीबन 6:30 बज रहे थे और दिसंबर का महीना, ऊपर से उत्तराखंड की सर्दी, तो भाई 6:30 भी ऐसे ही लगते हैं जैसे रात के 8:30। तो उसने कहा, ठीक है भाई आगे बता आगे क्या हुआ। उसने कहा, साहब मैं आपको नहीं बता रहा, मुझे लग रहा है आप इस चीज़ को मजाक में उड़ा देंगे और मेरी जान को खतरा हो जाएगा, मैं आपको नहीं बताऊँगा। विनय ने यहाँ पर उसके हाथों में कुछ 500 रुपये रखे और कहा, अब तो बता अब क्या बात है। उसने 500 का नोट वापस थमा दिया। उसने कहा, साहब मुझसे गलती हो गई, मुझे आपको नहीं बताना चाहिए था, आप लोग जहाँ से आए चले जाइए, आपको ये सब मजाक लग रहा है। विनय और संजय ने अपनी माँ की कसम खा ली कि हम इस बात को सुनने के बाद में उस आत्मा को नहीं बुलाएंगे या जो भी प्रॉब्लम है वहाँ पर उसमें हम दखल अंदाजी नहीं देंगे, अब तो बता दे। उसने कहा, साहब आप एक काम कीजिए, आप उस जगह पर खुद ही चले जाइए और वहाँ पर जा करके आप वहाँ के लोगों से पूछ लीजिए, वो आपको ढंग से बता पाएंगे,
हमारे इलाके से तो कुछ वो 5-7 किलोमीटर की दूरी पर है, हम तो यहाँ पर रहते हैं, आप वहाँ चले जाइए। लेकिन याद रखिएगा साहब, रात में 9 बजे से पहले पहले वहाँ पहुँच जाना। अगर 9:01 भी हो गया ना, तो उसके बाद में आप जिंदा बचेंगे या नहीं, इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। वो आगे कुछ बताने को तैयार था ही नहीं, बस उसने रास्ता बताया और कहा अब आप जा सकते हैं। चारों दोस्त उठ गए और चारों उठ करके चले गए। संजय पहुंचा उस घर के सामने। घर का हुलिया वैसा ही था जैसा यहाँ पर उस चाय वाले ने बताया था। घर ऐसा नहीं बहुत आलीशान हो, लेकिन ऐसा ज़रूर था कि उसमें रहा जा सकता था। छत भी थी, सब कुछ था, पानी वगैरह की सप्लाई सब कुछ वहाँ पर बराबर था। वहाँ पर वो गए, इस वक्त पे कुछ टाइम हो रहा था रात के 8 बजे का। वो लोग वहाँ पहुँचे और गेट खटखटाया तो उधर से एक आदमी निकल के आया और उसने कहा, बोलिए भाई क्या दिक्कत है आपको? तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे बात है, हमें तो भाई 31 दिसंबर को यहाँ पे रुकना ही है, और उसके भी 2-3 दिन का प्लान था ही उनका कि पूरा न्यू ईयर सेलिब्रेट करके जाएंगे। उसने कहा ठीक है, एक कॉटेज टाइप का है वो आपको मैं दे सकता हूँ, थोड़ी खस्ता हालत में वो रहेगा, आपके लिए चलेगा? उन्होंने कहा बिल्कुल चलेगा। वो घर जो था वो उस ओनर का था, उनको लग रहा था कि वही घर उन्हें मिलेगा, वो नहीं था, वो दूसरी जगह पर ले गया कुछ एक गली दूर। वहाँ पर जाकर के उसने उन चारों लड़कों को रोक दिया और कहा, मैं आपको बस एक बात बता रहा हूँ, इस घर में रुकने के बाद में अगर रात को आपको आसपास किसी की, बस इतना उसने बोला किसी की, कि इतने में विनय बोला, अरे यार चलो यार जल्दी से चलो, मुझे ना थकान वकान हो रही है, मुझे खाना वाना खाना है, फिर हम लोग अंदर बैठते हैं। वो तीनों तो चले गए अंदर, सिर्फ संजय वहाँ पर खड़ा था जो उस इंसान की बात को ध्यान से सुन रहा था। कुछ 15 मिनट तक उसने हिदायत दी और उसके बाद में संजय ने उससे हाथ मिलाया और पैसे वैसे दिए और वो आदमी अपने घर, ये लोग चले गए अपने कॉटेज में। वहाँ पर जाकर के इन्होंने कुछ मैगी वैगी बनाई जो भी था, और उसके बाद में सब लोग यहाँ पर बैठ के बातें करने लगे। बातों का सिलसिला चलता रहा। रात के कुछ यहाँ पर 10:30 का वक्त हो चुका था कि इतने में विनय और उनका तीसरा दोस्त जो था, जैसा मैंने बताया कि चार दोस्त आए थे, संजय जो था वो किचन में काम कर रहा था, विनय और उसका जो तीसरा साथी था उसने कहा, अरे संजय यार बातों बातों में एक बात तो रही गई, वो क्या बोल रहा था वो बुड्ढा? पता नहीं रोकने की कोशिश कर रहा था, उस चाय वाले ने भी दिमाग ख़राब कर दिया था, मेरा तो यार सस्पेंस ही मर गया था। मैंने कहा ये लोग तो सिर्फ पागल बना रहे हैं, और ये पहाड़ी लोग जो होते हैं ना इनमें ज़्यादा समझ तो होती नहीं, प्लीज़ आप इस चीज़ को लेकर ऑफेंड मत होइएगा, अगर आप पहाड़ से हैं तो उन लोगों का ऐसा मानना है, सबका ऐसा मानना नहीं होता। तो उसने बस यही कहा, ये पहाड़ी लोग जो होते हैं अपने मनगढ़ंत कहानी बना लेते हैं टाइम पास करने के लिए, फिर भी तू बता ही दे यार, अपनी बातें तो रोज़ चलती रहती हैं, तू बता। संजय ने यहाँ पे कहा, देख भाई जहाँ तक उसने मुझे बताया है, यहाँ पे कुछ 9 बजे के बाद में एक अनहोनी होती है। विनय ने कहा, अनहोनी? कैसी अनहोनी भाई? उसने कहा, यहाँ पे एक औरत है जो तुम्हें अपने पास बुलाती है। तो इतने में जो चौथा दोस्त था उसने कहा, वाह भाई सर्दी की रात और एक लड़की का साथ, इससे ज़्यादा अपने को और क्या ही चाहिए। उसने कहा, भाई वो औरत जिंदा नहीं है, मरी हुई है वो, और जो मैं बात तुम्हें बता रहा हूँ ना उसको ध्यान से सुन लो, हर चीज़ मजाक में नहीं उड़ाई जाती और हर वक्त लड़कियों को इस तरीके से नहीं देखा जाता। उसने कहा, भाई तुम मॉरल साइंस का लेक्चर तो दे मत, बात बतानी है तो बता। चौथे दोस्त ने ये बात बोली। उसने कहा, ध्यान से सुनना है तो सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ। आगे वो बोलना यहाँ पर शुरू हुआ और उसने कहा, उस लड़की की बहुत दर्दनाक मौत हुई थी। कहा जाता था कि वो लड़की यहाँ पे घूमने फिरने के पर्पस से आई थी। कुछ वक्त वो यहाँ पे घूमी थी कि जो 3 लड़के थे उनकी गंदी नज़र उस लड़की पर पड़ गई। वो उसको फॉलो किया करते थे और ये लोग, यहाँ के लोकल लोग ऐसी बात कहते हैं कि वो लोग जो थे वो गुंडे वगैरह थे, किसी दूसरी जगह से वो आए थे, उन्होंने उसके साथ में यहाँ पे बहुत गलत काम किया। अब आप समझ सकते हैं गलत काम से मैं क्या कह रहा हूँ, बहुत गलत काम किया। उसके कपड़े वगैरह फट गए थे और वो जो पहाड़ी दिख रही है ना तुम्हें, उसने खिड़की से उस पहाड़ी की तरफ दिखाया, पास में ही थी पहाड़ी, कुछ यहाँ पर मुश्किल से मुश्किल 10-15 कदमों की दूरी पर, उस पहाड़ी से उस लड़की को धक्का दे दिया, लोकल्स का ऐसा मानना है, और उसके बाद में वो लड़की नीचे गिरी और वो मर गई। तब से कहा जाता है कि उस लड़की की आत्मा इसी इलाके में भटकती है, और अगर कोई भी आदमी यहाँ पर रात में 9 बजे के बाद निकल जाए तो वो उसको अपने पास में बुलाती है। वो इंसान हिप्नोटाइज हो सकता है, और ऐसा लोग कहते हैं कि यहाँ से पहाड़ी से नीचे गिरा के वो उसे मार डालती है।
या फिर वो आदमी खुद ही यहाँ पर जंप कर देता है। बहुत अजीबोगरीब चीज़ें होती हैं उसके साथ। वो स्पिरिट बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है और वो किसी को भी यहाँ पे सुकून से रहने नहीं देती। बस उसने इतनी बात कही, सभी लोगों ने कहा अच्छा तो यही है कहानी, इसके अलावा तो कुछ नहीं। संजय ने कहा नहीं, इसके आगे तो कुछ नहीं। विनय ने कहा अच्छा तो वो बुलाती कैसे है? उसने कहा भाई एक बहुत ही भयानक दर्दनाक चीख आपको सुनाई देगी और कहते हैं कि अगर वो चीख सुनाई दे तो उसकी तरफ ध्यान मत दो, जो काम कर रहे हो वैसे करते रहो, अगर तुम उसकी मदद करने गए तो वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं। उसको मदद नहीं, उसको बदला चाहिए। और उसे हर एक शख्स के अंदर वो तीन लोग ही दिखाई देते हैं। यहाँ पर विनय ने पूछा तो बात तो तेरी ठीक है, लेकिन रात के 9 बजे का क्या चक्कर है, ये भी बता दे। तो उसने कहा कि उस आदमी को भी इसके बारे में क्लियर नहीं पता, लेकिन ऐसा हो सकता है कि रात में कुछ 9 बजे के आसपास ही शायद उसके साथ वो बर्बरता हुई हो और उसके बाद उसे ऊपर से धक्का दे के मार दिया गया हो। बस मुझे इतना पता यार, इसके आगे मेरे में भी सुनने की हिम्मत थी नहीं, मैं तो वापस चला आया। उसने भी उस इंसान की पूरी बात नहीं सुनी थी कि आखिर यहाँ पे क्या हम लोग कर सकते हैं अगर वो आत्मा हमें मिल जाए, कुछ ऐसा हो जाए, बस यही बात हुई थी। चारों दोस्त जो अब तक मजाक के मूड में थे ये थोड़े सीरियस हुए। इनको अब लगा कि हम लोग जो मजाक कर रहे थे वो ठीक नहीं था। खैर उसके बाद में विनय ने कहा देखो यार मैं तो मैगी बनाने जा रहा हूँ, अगर किसी को खानी है तो बताओ। कुछ 15 मिनट और बीत गए थे इन सब कॉन्वर्जेशंस में, सभी ने हाँ भर दी और कहा कि ठीक है हम लोग मैगी खा लेंगे। विनय गया किचन की तरफ, 5 मिनट तक वो वापस नहीं आया, किसी का ध्यान भी नहीं गया। और 10 मिनट बीत गए, और 15 मिनट, और 20 मिनट, विनय नहीं आया। संजय ने अपने चौथे दोस्त को बोला अरे एक बार हम लोग जाकर के देख कर आए किचन में। उसने कहा ठीक है मैं देख लेता हूँ। उसने किचन की तरफ देखा तो किचन में विनय नहीं था, विनय उनको कहीं नहीं दिखा। वो बस यही सोच रहे थे कि उठ करके विनय को ढूंढने जाएं कि इतने में एक औरत की बहुत तेज चीखने की आवाज़ उन्हें सुनाई दी। वो सचमुच किसी औरत की ही आवाज़ थी। जैसे ही उन तीनों ने आवाज़ सुनी वो तीनों डर के सहम के बैठ गए। उत्तराखंड की सर्दी, दिसंबर का महीना, उन लोगों को लगने लगी हद से ज़्यादा ठंड। बॉनफायर जला हुआ था लेकिन उसकी भी कोई औकात नहीं थी इस वक्त पे। उनकी जो हालत थी वो बहुत खस्ता हो चुकी थी। फिर से एक चीख सुनाई दी। इस बार संजय ने जब बाहर देखा तो बाहर तो कोई नहीं था और आसपास का इलाका भी एकदम शांत था। बादल जरूर ऊपर गरज रहे थे कि इतने में पीछे से विनय आया और उसने कहा हुँ! जैसे उसने ऐसा किया संजय एकदम से कांपा, बहुत तेज वो डरा और इतने में विनय जो था वो ठहाके मार मार के हंसने लगा। उसने कहा अरे यार तुम लोग कितने डरपोक हो और तुम जरा सी चीख से डर गए। सभी को याद आया कि विनय जो है मिमिक्री एक्सपर्ट है और ये लड़कियों की आवाज़ें निकालना जानता है, लेकिन इन सब कॉन्वर्सेशंस के बीच में ये बात तो उनके दिमाग से निकल ही गई थी। अब सब लोग इसी बात को लेकर के हंस रहे थे। खाना वाना उन्होंने खाया कि इस बार सचमुच उन्हें घर के बाहर एक चीख सुनाई दी। अब पॉसिबल था ही नहीं कि विनय यहाँ पर चिल्ला रहा हो, क्योंकि विनय, संजय, तीसरा और चौथा दोस्त सारे लोग एक ही कमरे में बैठे थे और वो आवाज़ घर के अंदर से तो बिल्कुल नहीं आ रही थी। पहले जो आवाज़ आ रही थी वो घर के अंदर से आ रही थी, इसीलिए संजय और वो तीनों दोस्त बहुत ज़्यादा कांप गए थे, क्योंकि उस जगह के ओनर ने ये बात कभी नहीं बोली थी कि वो स्पिरिट जो है वो घर के अंदर आती है। वो घर के बाहर से ही चीख चिल्ला करके आपको अपनी तरफ बुलाने की कोशिश करती है और कहा जाता है कि अगर आप उसकी चीख को इग्नोर कर देंगे तो शायद वो चली भी जाए। जैसा स्त्री मूवी में आपने देखा था कि उधर ओ स्त्री कलाना लिखा होता था तब वो नहीं आती थी, यहाँ पे कुछ इस तरीके का नहीं था। यहाँ पे बस ये था कि वो चिल्लाती थी, अगर आपने उसकी चीख पे ध्यान देके उसकी मदद करने की कोशिश करी तो मौत पक्की है। 3-4 बार और ऐसी ही चीख उन्हें सुनाई दी। विनय ने संजय से कहा संजय हमें बाहर जाके देखना होगा आखिर दिक्कत क्या हो रही है। संजय ने कहा बिल्कुल नहीं, उस आदमी ने हमें साफ हिदायत दी थी और उसने ये भी कहा था कि ये चीख जो है ये हफ्ते में 1 या 2 बार तो सुनाई देती ही है और हमें यहाँ पर बाहर नहीं जाना। विनय ने एक बहुत ही समझदारी की बात करी और उसने कहा भाई ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर इसी रिचुअल के चलते या इसी डर के चलते लोग लड़कियों के साथ में बर्बरता करते हों और यहाँ पर ये सारे जो केसेस हों ये और इंक्रीज़ हो रहे हों। अगर सचमुच कोई दिक्कत में हुआ तो तू सोच, और कल को हमें मालूम चला कि किसी लड़की के साथ में ऐसा कुछ गलत हो गया तब क्या होगा। ये बात सभी लोगों को जायज़ लगी, सभी लोगों ने सोचा ठीक
ठीक है हम लोग बाहर जाएंगे और देखते हैं कि यहाँ पर क्या होने वाला है। सभी ने यहाँ पर एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए और आखिरी में जो दो लोग खड़े थे, यानी कि जो पहला इंसान जिसने हाथ पकड़ा और आखिरी इंसान जिसने हाथ पकड़ा, उन दोनों के हाथ में थी मशाले, क्योंकि वहाँ पर स्ट्रीट लाइट वगैरह इतनी ज़्यादा थी नहीं। बारिश होनी शुरू हो चुकी थी, पहले तो हल्की हल्की बूंदाबांदी, फिर तेज़ बारिश। इस बारिश के अंदर जो उनकी मशाले थी वो बुझ गई थी। थोड़ी दूर तक वो चले, 150 मीटर की दूरी उन्होंने कवर की थी। अब 150 मीटर की दूरी इतनी होती है जितनी घर से गली तक का एंड, इतनी ही दूरी होती है। वो वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर एक लड़की एक पेड़ के नीचे बैठी सुबक रही थी। रो वो शायद रही नहीं थी, उसकी आवाज़ जो थी वो बहुत धीमे धीमे निकल रही थी। विनय ने संजय से अपना हाथ छुड़ाया और उस लड़की के पास गया। उस लड़की को उसने कहा, मैम आप भटक गई हैं क्या? कुछ अजीब हुआ है आपके साथ में, आप हमें बताइए, हम आपकी मदद कर सकते हैं। देखिए इस वक्त पर शायद पुलिस स्टेशन जाना मुमकिन नहीं होगा, आप चाहें तो हमारे कॉटेज में आ जाइए, सुबह आप हमारे साथ में पुलिस स्टेशन चलिए। देखिए घबराने की कोई बात नहीं है, हम सभी लोग बिल्कुल सही हैं और हम आपके साथ में कुछ भी बुरा यहाँ पर नहीं करेंगे। वो लड़की अपना चेहरा यहाँ पे उठा ही नहीं रही थी। तीनों दोस्त जो थे वो यही सोचने लगे कि ये डिट्टो वही सीन हो रहा है जो हॉरर मूवीज़ के अंदर होता है कि एक इंसान जो है बैठ करके यहाँ पे रो रहा है। पहली बार उन्होंने इस चीज़ को अपने सामने होते हुए देखा था। इतने में उस लड़की ने अपना चेहरा उठाया और चेहरा उठा करके विनय की ओर देखा। जब उस लड़की ने अपना चेहरा उठाया तो तीनों दोस्तों ने ये चीज़ देखी कि उस लड़की की आँखें नाक और मुंह वहाँ पे मौजूद है ही नहीं, कंप्लीट एक ब्लैक चीज़ थी। उसके हेड के ऊपर एक स्कार्फ ज़रूर था लेकिन उसका चेहरा था ही नहीं। ये चीज़ जैसे ही तीनों ने देखी, तीनों जो थे वो भाग करके वापस कॉटेज की तरफ जाने लगे। विनय वहीं पर ही एकदम सन्न होके खड़ा रहा। जैसा कि संजय ने कहा था कि वो लड़की शायद आपको हिप्नोटाइज कर लेती है, और ऐसा उनके साथ हो भी रहा था। विनय के कदम वहीं पर जम गए, तीनों दोस्त चिल्ला रहे थे, विनय वापस आ, विनय वापस आ, वो लड़की जो है वो तुझे छोड़ेगी नहीं। कि इतने में एक बहुत ही तेज चीख उनके आसपास गूंजी और वो चीख जो थी वो उस लड़की की ही थी। जैसे ही वो चीख गूंजी, इतने में विनय जो था वो भागते हुए पहाड़ से नीचे गिर गया। जब तीनों दोस्तों ने देखा तो सचमुच विनय उसी पहाड़ी पर खड़ा था जिस पहाड़ी पर से उस लड़की को फेंका गया था। यानी कि वो चारों दोस्त गलती से उस पहाड़ी पर चले गए थे जिस पहाड़ी पर उनको जाने की हिदायत नहीं थी, और उनको मालूम था कि वो पहाड़ी वही है, तब भी वो लोग वहाँ पे चले गए थे। वो लोग किसी तरीके से वापस आ गए। विनय ने अपना हाथ वाथ छुड़ाया और इतने में उस लड़की ने शायद उसे हिप्नोटाइज किया, विनय नीचे, और विनय की डेथ हो गई। इसके बाद में तीनों दोस्त जो थे उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी वो कॉटेज की ओर जाएं। उन्होंने आसपास के गेट्स जो थे इधर घर के थोड़े बहुत दूर दूर पे उनको खटखटाने की कोशिश करी और कहा हमारी मदद करो, मदद करो, लेकिन हर जगह लाइटें बंद हो चुकी थी, कोई भी उनकी चीख को सुन नहीं रहा था। सिर्फ एक हनुमान मंदिर था वहाँ पर, छोटा सा हनुमान मंदिर था, जिसके पास जा करके तीनों दोस्त यहाँ पर बैठ गए। पूरी रात भर उनको वो चीखें सुनाई दी उस लड़की की। इसी के साथ में संजय को ये महसूस हुआ कि उसके कान के अंदर वो लड़की ये कह रही है कि अगर तू मेरे पास नहीं आया तो तेरी माँ जो दिल्ली में रहती है, जो बीमार है यहाँ पे, उसको मैं जान से मार डालूंगी। वो वहाँ पर जाने भी वाला था, उसको लग रहा था कि अगर मैंने अपनी जान नहीं दी तो शायद वो मेरी माँ को मार देगी, लेकिन बाकी के जो दोस्त थे, तीसरा और चौथा दोस्त जो था, उसने उसको पकड़ के रोक लिया और उसको समझाया कि ये हिप्नोटिज्म का ही सिस्टम है, कि वो तुझे सिर्फ अपने पास बुला रही है, हम यहाँ बैठे हैं, वो यहाँ पर नहीं आ पा रही, तू समझ इस बात को, उसकी शक्तियाँ इस मंदिर के आसपास नहीं है, वो नहीं आ पाएगी, सुबह होने का इंतज़ार करते हैं और उसके बाद तो हमें जाना ही है। सुबह हो ही गई थी, करीबन करीब 5:30 बजे, थोड़ी बहुत जब रोशनी यहाँ पर हुई तो लोग भी अपने घर से बाहर निकले, और बाहर निकल करके उन्होंने उन तीनों लड़कों को देखा और उन्होंने यही कहा कि तुम लोग अनजाने में ही इस मंदिर के पास आ गए, इसीलिए तुम बच गए, क्योंकि जब तुम उस घर से बाहर आ गए थे और उसकी चीख की तरफ जब तुम जा रहे थे तो तुम चाहे किसी जगह चले जाते वो तुम्हें जान से मार ही डालती। उसको सिर्फ यही चाहिए था कि एक बार तुम उसकी आवाज़ सुन के उसकी तरफ आओ तो सही। वहाँ पर एक आदमी ने कहा था कि इस मंदिर की स्थापना ही इसलिए की गई है जिसके चलते उस औरत का जो प्रकोप है वो थोड़ा यहाँ पे कम हो सके, उसको मुक्ति दिलाने की कोशिश की गई लेकिन वो मुक्त नहीं हो पा रही है, किसी भी तरीके से मुक्त नहीं हो पा रही है, और हम खुद इस जुगाड़ में हैं कि किसी तरीके से वो औरत यहाँ से चली जाए। उसके बाद में
विनय की डेड बॉडी को देखा गया तो विनय सचमुच नीचे पड़ा हुआ था। पूरी तरीके से उसका शरीर यहाँ पे छलनी छलनी हो चुका था। मर वो लड़का गया ही था। गांव वालों ने ये बात भी कही कि हमें तुम्हारी चीखें सुनाई दे रही थी, लेकिन हम चाह करके भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकते थे। और उस आदमी ने ये बात बोली कि जब मैंने साहब आपको हिदायत दी थी कि उस चीख की तरफ नहीं जाना, तो आप गए क्यों। उन्होंने पूरी कहानी बताई कि विनय ने ऐसे सोचा था और शायद उसकी बात अपनी जगह सही थी। गांव वालों की भी बात सही लगी, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इस डर के नीचे ही लोग जो हो इस तरीके की गंदी हरकत भी कर जाएं। लेकिन ऐसा कभी उस गांव में हुआ नहीं था, उस इलाके में हुआ नहीं था। खैर, आज 31 दिसंबर का दिन था। दिन की शुरुआत ही एक मातम के साथ उनकी हुई थी। उनका दोस्त यहाँ पे ख़त्म हो चुका था। चार में से अब सिर्फ तीन दोस्त बचे थे। तीनों ने अपनी बाइक उठाई और विनय के घर वालों को इन्फॉर्म किया और वो लोग वापस दिल्ली आ गए। दिल्ली वो लोग आए और दिल्ली आकर के विनय का यहाँ पे अंतिम संस्कार वगैरह किया गया और घर वालों को भी ये बात बता दी गई कि ऐसा ऐसा ही हुआ था। घर वाले पहले मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि शायद यहाँ पे इन्होंने शराब वगैरह पी होगी, लेकिन ऐसा उस रात को कुछ हुआ नहीं था। जब पोस्टमार्टम हुआ विनय का, तो इधर कोई भी अल्कोहल वगैरह उसके सिस्टम में नहीं मिली थी। गाँव वालों से बात करवाई गई उनकी, तो गाँव वालों ने भी कहा हाँ, विनय जो था ये एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी का शिकार हो चुका था। आज भी उसके पेरेंट्स जो हैं इस बात पे कहीं ना कहीं यकीन नहीं कर पा रहे, लेकिन उन तीनों दोस्तों ने उस रात जो देखा था वो उनके जहन के अंदर छप चुका है। आज भी जब भी 30 दिसंबर की रात आती है तो वो लोग सो नहीं पाते। उनको वो रात अच्छे से याद आ जाती है जिस रात में विनय के साथ में ये हादसा हुआ था। खैर, यही थी आज की कहानी। आप मुझे बताइए आपको स्टोरी कैसी लगी, अच्छी लगी या बुरी लगी। इसी के साथ में अगर आपके पास में भी कोई ऐसा ही हॉरर और क्रीपी इंसिडेंट हो तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी पर। जीमेल आईडी ऊपर दिखाई दे रही होगी आपको और इंस्टा आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मौजूद है। दोनों ही प्लेटफॉर्म्स में से जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप कंफर्टेबल हों वहाँ पर जाकर के अपनी स्टोरी मेरे साथ साझा कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही था। जल्द मिलता हूँ एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।